फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर लर्निंग टूल्स में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी तरह की लीव्स मिलती हैं और कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए हम जानते हैं किस किस तरह की लीव्स मिलती हैं। जो पहली लीव है अर्नड लीव, इसको ELB बोलते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक साल में 10 मिलती हैं। ये सेमी एनुअली आपको मिलती हैं, जैसे कि फर्स्ट 5 मिलेंगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, फ्रॉम 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आपको मिल जाएंगी, और जो नेक्स्ट 5 है वो मिलेंगी आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। इनको अर्न लीव्स बोला जाता है। आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम इनको 300 तक कलेक्ट कर सकते हैं, और 300 के बाद हम इनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एनकैश करा सकते हैं। मतलब आप इनको डिपॉजिट करके उस टाइम जो भी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से आपको इस लीव्स का पे मिल जाए। तो ये अर्न लीव्स हैं, और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप इनको एज ए लीव भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट आती है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव होती है, इस लीव में आपको हाफ सैलरी मिलती है, इसीलिए इसका नाम है हाफ पे लीव। थर्ड टाइप की लीव है हमारे पास लीव नॉट ड्यू। जब मान लो आपको छुट्टी चाहिए और आपके पास लीव नहीं बची हुई है किसी भी तरह की, तो आप लेते हैं लीव नॉट ड्यू। ये एक तरह की EOLB होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। इसमें आपकी सैलरी कटती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की लीव आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जो है ये फीमेल्स को मिलती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम में मिलती है। 6 मंथ की, 180 डेज की होती है ये। नेक्स्ट टाइप की लीव देखते हैं, ये है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो होती है ये मेल को मिलती है, एंड इट इज फॉर 15 डेज। 15 डेज का पीरियड पैटर्निटी लीव का होता है, और ये डिलीवरी से लेके विद इन 6 मंथ उस मेल को अवेल करनी होती है ये पैटर्निटी लीव। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये पैटर्निटी लीव जो है वो लैप्स हो जाती है। तो विद इन फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी अप टू 6 मंथ, उसके बीच में ही आपको ये 15 डेज की पैटर्निटी लीव लेनी होती है। इसके बाद आती है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव जो होती है ये फीमेल्स को मिलती है, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की चाइल्ड केयर लीव अ फीमेल कैन अवेल, जिसमें कि फर्स्ट ईयर जो होता है उसको 100% सैलरी मिलती है, और जो नेक्स्ट ईयर होती है उसमें उसको 80% सैलरी मिलती है। चाइल्ड केयर लीव का जो ऑब्जेक्टिव है वो वो बच्चों की केयर, एग्जाम, उनकी सिकनेस, मेडिकल, इन सब के लिए एक फीमेल को दिया गया है ये प्रोविजन। चाइल्ड केयर लीव में जो फीमेल है उसको फर्स्ट ईयर फुल पेमेंट मिलता है, और ये बच्चे की केयर अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स करने तक मिलता है। अगर बच्चा 18 ईयर से अबव है तो चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। स्टडी लीव। स्टडी लीव ये इस तरह की लीव है, इसके लिए आपकी सर्विस मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस होनी चाहिए, तब आपको स्टडी लीव मिल सकती है। आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन टोटली ऑन योर अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी, वेदर दे विल सेंक्शन यू और नॉट। इसके लिए जो मेन चीज है वो आपकी 5 ईयर ऑफ सर्विस होनी चाहिए, तभी आप इस लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई हायर स्टडीज करनी है, कोई हायर कोर्स करना है, तो आप ले सकते हैं स्टडी लीव को। कैजुअल लीव। कैजुअल लीव होती है, ये बेसिक अराउंड 8 मिलती हैं एक एम्प्लॉय को, और ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी भी करता है। कैजुअल लीव जो होती है हमारी, ये संडे, सैटरडे, ये इसमें काउंट नहीं होता है। मान लो आपने 3 CL ली, 3 कैजुअल लीव ली, और बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो वो चीज़ इसमें काउंट नहीं होगी आपकी। ये उन हॉलीडेज को छोड़ के एक्स्ट्रा रहता है, इसको कैजुअल लीव बोलते हैं। एक होता है स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने
कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो आपकी जो कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम वेदर दे विल प्रोवाइड यू स्पेशल केयर लीव और नॉट। आई होप आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को किस किस तरह की लीव्स मिलती हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर पाया हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये डिफरेंट टाइप की लीव्स पता चल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।